जानते हैं 100 के लिए नहीं है, 100 के साइड में दिया जाए और कृपया करके यहाँ जिसे फ्लाईओवर से पुल बनाया जाए और घाट को स्वच्छ रखा जाए। नहीं, आप फ्लाईओवर के जो पुल की बात कर रहे हैं तो ऐसे आज तो चलिए ठीक है, लेकिन जब बारिश की मौसम होती है, सावन का महीना आता है, तो ऐसे कई श्रद्धालु आते हैं जो अपनी प्राण गवा करके आते हैं। इसलिए यहाँ पे पुल का व्यवस्था किया जाए और पूरी तरीके से व्यवस्था किया जाए कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था किया जाए और साफ सफाई को लेकर साफ सफाई यहाँ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए साफ सफाई, क्योंकि हम भी देखें हम भी आते हैं और सब आते हैं यहाँ पे, जितने भी पब्लिक आते हैं यहाँ सफाई रहेगा तो एक दूसरे आएंगे, कई देश से भी आते हैं, कोई पटना से आते हैं, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से आते हैं, कोई उड़ीसा से आते हैं, सब अपने अपने यहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम यहाँ सोल्व होता है। तो आप इस वजह से आते हैं। आप कौन से स्थान से आप यहाँ पे आए हैं? मैं तो फिलहाल पटना से रहने वाली हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ फिलहाल। अच्छा, दिल्ली से पटना से होकर हमारे इस पावन धरती समदा में आए हैं। जी जी जी। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है एडवोकेट चंचल वर्मा जी। तो आप जो जिस बच्चा को लेकर के आए थे उनकी तबीयत अभी कैसी है फिलहाल? तबीयत फिलहाल तो फर्स्ट बार तो अभी आई हूँ, बस गंगा स्नान करके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इन्होंने बोले कि आज मिथिले जी की एक मीडिया वाले आए हैं, चलो मीडिया वाले के कुछ हमें भी बोलना है, क्योंकि जब वहाँ से मैंने दिखा के मैं सब थक गई, कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही थी और यहाँ आए, हो सके उनके ब्रह्म बाबा की कृपा से मुझे प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाए तो नेक्स्ट टाइम मैं आते रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ऐसे हमारे कई वैसे बिहार के बाहर के भी लोग हैं जो अपने रोग को लेकर के इस समदा मेला के पावन धरती पे जो ब्रह्म बाबा का प्रतिमा बैठाएगा उस प्रतिमा के सहारे से उनकी रोग कैसे ठीक हो जाता है। तो मैम आप इसे पावन धरती पे आप अपने बच्चे को लेकर के साथ में आए होंगे? साथ में लेकर के आए। तो बच्चा कहाँ है? बच्चा बोल रहा है लाइए। उसका नाम है कुंदन कुमार वर्मा और ये बच्चा दो से ढाई साल हो गया है, मतलब कि 2021 में इसको तबीयत खराब हुई थी, लेकिन हमने कई जगह दिखाए, कई बोले कि वहाँ डॉक्टर पास दिखा दो, कभी वहाँ डॉक्टर पास दिखा दो, दिखा के मैं दुखी हो गई। जब कहीं कुछ नहीं मुझे प्रॉब्लम हुआ सोल्व, तब हमने मिथिले जी मुझे बताया, हमारे हस्बैंड संजय वर्मा को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ एक समता में एक बाबा का मंदिर है, वहाँ चलिए आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हमने इनके कहे पे हम यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट बार हमने पहुंचे हैं, पहुंच करके स्नान किए, स्नान करके बस यहाँ पे आ गए। तो अभी जल तक भी नहीं ध्यान आपने फर्स्ट बार आए यहाँ पे, तो आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? कठिनाई का सामना बस यहाँ आने के लिए हम लोग दूर लॉन्ग रास्ता सर मतलब आ रहे थे, ठीक है, बट वो तो सही था। और यहाँ पे आने के बाद हमने देखे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि देख रही है कि यहाँ पे 100 जलाया गया है, तो 100 के लिए घाट साइड होना चाहिए और बाकी जो पब्लिक आम पब्लिक नहाते हैं सब आते हैं श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए घाट अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए यहाँ, और एक यात्री सीट होनी चाहिए यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। ऐसे अगर कोई भी ऐसे श्रद्धालु होंगे जिनको कठिनाई या दिक्कत होगा तो हमारे सुरक्षा बिहार न्यूज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए पूरी हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनकी जो भी समस्या है उनकी समाधान करी जाएगी। आप कहीं का भी हो हमारे समदा में एक बार आइए। अभी हम बिहार के पावन मेला समदा से बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ इस घाट को लेकर के, इस मेला को लेकर के, कि हाँ इस मेला में वैसे कई स्थान से सर अपने जो निजी रोग होती है उस रोग के साथ अपने इस मेला में पावन धरती के मेला में समदा मेला में आते हैं, उस रोग को कैसे बाबा साहब के द्वारा समाधान कर लिया जाता है, कैसे हर लिया जाता है, चलिए हम बात करते हैं। तो सर इस मेला में समदा मेला के पावन धरती पे वैसे कई श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रह्म बाबा का प्रतिमा है, उस प्रतिमा के साथ वैसा क्या जुड़ा हुआ है जो सभी का जितने भी समस्या होती है उसकी समाधान कर ली जाती है? देखिए ये जो समदा का पवित्र धरती है, सबसे खूबी है कि ये धरती आज नहीं, यहाँ जो पौराणिक एक मंदिर देख रहे हैं, मंदिर को दिखाइए, ये जो मंदिर है इधर से दिखाइए थोड़ा, चलिए ठीक है दिखा देंगे। ये जो पौराणिक मंदिर है जी, ये मंदिर प्राचीन समय का है, बना हुआ है जी। यहाँ इस स्थान को यहाँ के स्थानीय प्रशासन जी और सरकार को चाहिए कि पर्यटन स्थल घोषित करें, क्योंकि यहाँ साल में 27 को मेला लगता है जी। अब हम बताते हैं आपको कि 27 कैसे लगता है जी। एक बगल में हमारे ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे महीने का 2 मेला लगता है, अमावस्या और पूर्णिमा को जी, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं जी, और अपने आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इससे इन लोगों को भला होता है, इनके अंदर विश्वास है, तो
साल में कम से कम यहाँ 27 मेला लगता है जिसमें 24 मेला ब्रह्म स्थान के नाम पर लगता है और बाकी जो शेष मेला है छठ पर्व और मकर संक्रांति के रूप में भव्य लगता है। हम शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि समदा का जो पुनपुन घाट है इस घाट पर गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए और श्रद्धालुओं को सेवा के लिए यहाँ पे जो घाट का भी स्थिति है दिखाया जाए। ये घाट का स्थिति काफी भयावह है, यहाँ जब बरसात का समय आता है तो यहाँ पे काफी खतरनाक हो जाता है और लोग को स्नान करने में पूजा पाठ करने में काफी कठिनाई होती है। कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे घाट भी बना हुआ है जो एक स्थानीय पूर्व विधायक जयवर्धन यादव जी के द्वारा बनाया गया है और एक पंचायत के मुखिया के द्वारा हल्का सा घाट बनाया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ जहाँ पे हम लोग का श्रद्धालु उतरते हैं वो घाट काफी जर्जर है। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि यहाँ पे घाट का पुनर्निर्माण हो और साथ ही बरसात में काफी भयावह स्थिति तब पैदा हो जाती है जब नदी उफान पर आ जाता है, इसलिए यहाँ अरवल टू समदा ये लिंक रोड जुड़ा हुआ है, ये हमें जहानाबाद को जोड़ती है, इसलिए इस नदी पर यथाशीघ्र जितना जल्दी गवर्नमेंट का ध्यान हो और यहाँ पुल भी बनना चाहिए ताकि यहाँ करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आस्था का पर्व मनाते हैं और लोगों को भला होता है तब तो यहाँ लोग आते हैं, लोगों को आस्था और विश्वास है, इसलिए सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ घाट का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो। नहीं नहीं, आप घाट की निर्माण की बात करें तो घाट की निर्माण की बात तो ये तो पंचायती राज का लिए है, तो पंचायत के जो मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंचायत समिति हो गए, उनके उनसे आपने बात करने की प्रयास की है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको दिक्कत होती है, उनको कठिनाई होती है स्नान करने में या पूजा पाठ या पर्व करने में, तो उनसे बात करने की प्रयास किया आपने? बिल्कुल, जब पंचायत के प्रतिनिधि से हम लोगों ने बात किया तब तो उसका मिसाल है कि जिनके जिनके पास जितना साधन था वो अपना साधन मुहैया कराए हैं, लेकिन सिर्फ पंचायत से यहाँ समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पुल बनना चाहिए और उसके साथ साथ कटाव जो हो रहा है, कटाव निरोधक व्यवस्था होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए, यात्रियों को ठहरने के लिए यात्री सेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है और हमारे श्रद्धालु को सुविधा के लिए ये सब चीज़ होना चाहिए। मिसले जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हम तो है जो पटना साहिब से आए। अच्छा, अभी पटना से हैं जी, तो आपको इस धाम के बारे में कैसे मालूम चला कि यहाँ पे वैसे रोग जो ठीक हो जाती है और कब मालूम चला? हर एक दूसरे से है जो संपर्क में हुए उसके बाद है जो मालूम चला कि यहाँ जाने से जो भी प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो आपको इस धाम के बारे में कब मालूम चला सर? करीब 1.5 वर्ष हो गया। अच्छा, तो 1.5 वर्ष के पहले इस धाम के बारे में मालूम नहीं था, आप 1.5 वर्ष के अंदर में इस मालूम चला, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे वैसे रोग ठीक हो जाती है जी। तो आप इस धाम के बारे में क्या बताना चाहते हैं, वैसे और अन्य नागरिक भी हैं जो अन्य वैसे लोग होंगे जिनकी परिवार का जो हाँ परिवार का रोग ठीक नहीं हो रहा होगा, तो उनको क्या संदेश देंगे कि आने के लिए कैसे आया जाए, कैसे सुविधा मिला जाए? बाबा में इतना कृपा है कि जो भी यहाँ समस्या होता है वो दूर हो जाता है। चलिए आइए, तो ऐसे जो भी बाहर के लोग हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पे आने की सुविधा है, जैसे पालीगंज से हो या पटना से हो या कई अन्य राज्यों से, उनको उनके लिए क्या सुविधा है आने के लिए, उनकी सुविधा या उनकी जो प्रोसेस होती है आने में दिक्कत कठिनाई, उनको कैसे समाधान किया जाए? देखिए हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ आने के लिए एक रूट पटना से आने के लिए पालीगंज से होकर के आती है और इधर अरवल तरफ से औरंगाबाद से होकर के आने के लिए आपको लिया खीरी मोर होकर के, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब जहानाबाद और घोसी बिहार शरीफ तरफ से जो लोग आते हैं उनके लिए एक समस्या खड़ा है। यहाँ पे उस तरफ भी पुनपुन नदी के उस पार गाड़ी लगा करके और लोग नदी में पार होकर के इस तरफ आते हैं बाबा के दरबार में, तो बरसात के समय में भी उसी तरफ गाड़ी लग जाता है और नौका के सहारे लोग इस तरफ पार होते हैं। वैसी स्थिति में कई बार नौका डूबने की कगार पर कई लोग मर भी गए, कई लोग डूब करके यहाँ जान भी दे दिए और गवर्नमेंट तक ये बात गई भी,
सुनने में अब आ रहा है कि यहाँ पे पुल का अनुशंसा हो गया है और जल्दी काम लगने वाला है, लेकिन देखिए हम लोग कब तक और इंतजार करते हैं। कोई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, वो ठहरना चाहे तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार से तैयारी कराई जाती है? देखिए उनके लिए यहाँ ठहरने का व्यवस्था ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग ग्रामीण लोग हैं, हम लोग के समस्या अगर कोई शेयर करते हैं कि हमें कोई दिक्कत है तो हम लोग गाँव में शरण दे देते हैं। तो यहाँ ऐसे कोई सार्वजनिक संस्थान नहीं बनाया गया है यात्री सेट वगैरह की जिसमें उनको ठहरने का व्यवस्था है। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप स्थानीय लोगों से संपर्क कर करके अब नाइट जो रात गुजारने की होती समस्या होती है या किसी प्रकार की कोई ऐसा व्यवस्था हो जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप स्थानीय लोग से संपर्क कर करके उस व्यवस्था का जो भी स्थानीय लोग देते हैं उस व्यवस्था का आनंद लें। तो उस व्यवस्था के लिए जैसे मान के चलिए कोई अदर राज्य से आता हो, कोई दूसरे राज्य से आता हो सकता है, कोई ऐसा चोरी का मामला आता है या वैसा छीना छोरी का मामला आता है, उसके पास कुछ नहीं हो व्यवस्था, तो आप कैसे उस देखिए यहाँ पे आज तो कुछ कम भीड़ है, लेकिन इससे जबरदस्त भीड़ लगता है जब छठ पूजा होता है या और गंगा दशहरा होता है, चैतनवमी का समय आता है। हम लोगों ने यहाँ पे सामाजिक सहयोग से CCTV कैमरा का व्यवस्था इस मंदिर के इर्द गिर्द किया है, उसके माध्यम से कई बार चैन स्कैनर को पकड़ा गया है, महिला ही महिला के साथ कुछ गलत कर रही थी जिसको हम लोग पकड़वा करके जेल थाना तक को भेजे हैं। तो यहाँ जो हम लोग ग्रामीण हैं वो सामाजिक रूप से जहाँ भी कहीं दिक्कत होती है हम लोग कोऑपरेट करते हैं और हर समय कोऑपरेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किन्हीं को परेशानी होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं, सबको सेवा करते हैं। तो समदा मेला के स्थानीय लोगों के बात को सुन लिए, बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।